यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंपेन शुरू कर दिया। योगी आज अयोध्या में थे और यहां की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। योगी ने क्लियर कर दिया कि बाई इलेक्शन में भी राम मंदिर मुख्य मुद्दा होगा। योगी ने कहा कि जो लोग ये ताना मारते हैं कि क्या राम मंदिर बनने से अयोध्या की सूरत बदल जाएगी, उन्हें आज यहां आकर देखना चाहिए। अयोध्या की सड़कें चौड़ी हो गई, एयरपोर्ट बन गया, पूरी अयोध्या बदल गई। जो लोग बोलते थे कि अयोध्या की सड़कें चौड़ी होंगी, हमने कहा अयोध्या की तो होंगी, लेकिन अयोध्या से आसपास का क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। अयोध्या में ट्रेन नहीं आती थी, एक सिंगल लाइन थी, आज डबल लाइन से जुड़ चुका है। अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। 14-15 फ्लाइट अयोध्या से जुड़ चुकी है और उसको बचाए रखना यह अयोध्या वासियों का दायित्व ज्यादा है कि हम इस सम्मान को बरकरार रखते हुए अयोध्या की पहचान को देश और दुनिया के सामने इसी मजबूती के साथ स्थापित करने का कार्य करें। जो भी अयोध्या आए, अयोध्या के वैभव के साथ साथ यहाँ की धार्मिक परंपरा रीति रिवाजों का विभूत होकर के जाए और उसको अंगीकार करते हुए पूरी देश और पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ फिर आकर्षित होकर के आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को भरोसा दिलाया कि सैलाब से तबाह हुए वायनाड को बसाने के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। मोदी ने आज वायनाड का दौरा किया, बाद में समीक्षा बैठक की। मोदी ने कहा कि जो लोग चले गए उनकी तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जो बच गए उनके पुनर्वास की पूरी कोशिश की जाएगी। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ हैं। इसी बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से वायनाड की तबाही को राष्ट्रीय त्रासदी घोषित करने की मांग की। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि वायनाड की तबाही केदारनाथ से बड़ी थी, यहां हालात को दोबारा नॉर्मल बनाने में बहुत संसाधनों की जरूरत होगी। यदि वो वायनाड की त्रासदी को राष्ट्रीय त्रासदी घोषित कर दे, वहां बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी। जिस हिसाब से दिखा रहे मरवाड़ी को, वो केदारनाथ से बढ़ करके वहाँ स्थितियाँ हैं खराब। मैं ये बात अलग है, केदारनाथ में हजारों की संख्या में मर गए, लेकिन वहाँ जो है जो फैलाव है डिजास्टर का वो बड़ा गहरा और बड़ा व्यापक है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, नेताओं और पार्टियों के बीच कड़वाहट भी बढ़ती जा रही है। आज शाम ठाणे में उद्धव ठाकरे की रैली है, लेकिन उससे पहले ही रैली के आसपास उनके खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए। इन पोस्टर्स में उद्धव ठाकरे को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शरद पवार के सामने झुका हुआ दिखाया गया और पोस्टर के ऊपर लिखा है, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होऊंगा, चरणों की पूजा करूंगा। दिल्ली के 3 दिन के दौरे के बाद उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में यह पहली सभा है। शिंदे गुट के नेता कह रहे हैं कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बालासाहेब ठाकरे के सिद्धांतों से समझौता कर दिया। ये एक महाराष्ट्र का स्वाभिमान है जो बालासाहेब ने जगाया था, तो उसी पे शिवसेना चलती है ऐसे मुझे लगता है। तो इस तरह से जाके किसी चीज को मांगना या इसीलिए कि जाके दिल्ली में रुकना, ये भी कहाँ तक सही है, इसके बारे में मैं खुद साशंक हूँ। देखिए, ये तो सच बात है और इसीलिए वो कांग्रेस को अपने साथ लेना चाहते हैं, और उनके जब लोकसभा में कुछ सीटें आई हुई थी तो वहाँ सैफ्रॉन झंडे के जगह पे ग्रीन कलर के झंडे लहरा रहे थे, और इसका मतलब साफ है कि उन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी खास तस्वीर जारी की। ये फोटो हेमंत सोरेन के हाथ की है जिसमें एक थप्पा लगा है।
हेमंत सोरेन ने ट्वीट में लिखा कि ये स्मृति हमेशा उनके मन में अंकित रहेगी। सोरेन के मुताबिक ये कैदी का निशान है जो जेल से रिहा होते वक्त उन्हें लगाया गया। हेमंत सोरेन ने लिखा कि ये निशान सिर्फ उनका नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की वर्तमान चुनौतियों का प्रतीक है। सोरेन ने लिखा कि जब मोदी सरकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत, बिना कोई शिकायत, बिना कोई अपराध जेल में 150 दिनों तक डाल सकती है, तो फिर यह आम आदिवासियों, दलितों, शोषितों के साथ क्या करेगी, यह बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश हो रही है, लेकिन कश्मीर में मौसम का उल्टा चक्र दिख रहा है। कश्मीर में इस बार बारिश ही नहीं हो रही बल्कि जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। हालत यह हो गई है कि कश्मीर की पहचान झेलम नदी सूख रही है। झेलम के हाउस बोट जमीन पर आ चुके हैं। पानी की सतह इतनी कम हो गई है कि झेलम का आधा हिस्सा सूख चुका है। हालात ऐसे हैं कि लोग झेलम नदी के बीच में खड़े हो सकते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि पेड़ काटने की वजह से ये हाल हुए हैं।